खरगोन जिले में रेवा गुर्जर समाज की महिलाओं ने हल्दी कुमकुम का कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हुए परंपरा निर्वहन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हम आपको बता दें कि मकर संक्रांति से सूर्य दक्षिणायन से उत्तरायण की ओर अग्रसर होता है। ऐसे में धार्मिक मान्यता है कि हल्दी कुमकुम कार्यक्रम के माध्यम से समाज परिवार में सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है, साथ ही वर्ष हर्षोल्लास के साथ गुजरता है। इस दौरान शहर के गोरीधाम स्थित रेवा गुर्जर धर्मशाला में महिलाओं ने मकर संक्रांति के अवसर पर कार्यक्रम आयोजित किया और समाज को शराब का उपयोग नहीं करने की शपथ भी दिलाई। खरगोन से जयंत गुप्ता की रिपोर्ट। आज श्री रेवा गुर्जर महिला संगठन द्वारा हल्दी कुमकुम का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें सभी महिलाओं ने एक दूसरे को सुहाग की सामग्री वितरित की और बड़े ही हर्षोल्लास से कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें आज महिला संगठन द्वारा शराबबंदी के लिए भी एक मुहिम शुरू की गई है, जो नशे की दिशा में हमारे युवक युवती बड़ी तेज़ी से जा रहे हैं, उसे रोकने के लिए, उसकी रोकथाम के लिए हम महिला संगठन द्वारा एक मुहिम शुरू की गई है, जिसमें सभी महिलाओं ने शपथ ली और यह संकल्प लिया है कि इसे पूरी ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा से सफल बनाएंगे और इसे हम शराब को हमारे राज्य से मुक्ति दिलाएंगे। और हमारी यह मांग सरकार से भी है कि हमारे राज्य में शराब की जो दुकानें हैं, शराब माफिया हैं, उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें और इस शराब को पूर्ण रूप से बंद कराएं, क्योंकि हम देखेंगे कि कई राज्यों में आज राज्य शराब से मुक्त हैं, जैसे आप ले लें बिहार और अन्य उत्तर प्रदेश, यह आज शराब से पूरी पूर्ण तरह मुक्त हो चुके हैं। शराब माफिया अपनी मनमानी करके जहरीली शराब बेचकर अब इंसान के जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, जिसे हम पूर्ण रूप से ख़त्म करना चाहते हैं। आप देखेंगे कि जहरीली शराब पीने के कारण मुरैना ले लो, उज्जैन ले लो, उसमें कई लोगों की जान चली गई है, जिसके कारण हमारे देश का और हमारे समाज में बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ता है। क्या नाम है? मैं अखिल भारतीय गुर्जर महासभा की महिला इकाई से जिला अध्यक्ष बरखा मंडलोई। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।